हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमर कुमार सिंह है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे झारखंड में ई पास बनाएं। तो सबसे पहले आप झारखंड ई पास करके गूगल में सर्च कर सकते हैं। ई पास झारखंड में सर्च करते हैं तो आपको यहां पे आएगा epassjharkhand.nic.in। इस पे आपको जाना है। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए यूज़र। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन है, यहाँ आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। आपको यहाँ आपका वैलिड मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, तो कंफर्मेशन के लिए आपको फिर से मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये ध्यान रखें कि कोई भी ओटीपी नहीं मांगता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो कोई भी अगर इंसान आपको ई पास के लिए ओटीपी का डिमांड करे तो बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली ओटीपी फ्री है। आप सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा। पासवर्ड के लिए आप यहाँ पे जो पॉलिसी है वो ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। इसमें यह है कि कम से कम 6 कैरेक्टर से लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए और एक लोअर केस कैरेक्टर होना चाहिए और एक डिजिट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया हुआ है, जैसे xyz@123। यहाँ आप देखेंगे कि xyz में x जो है वो कैपिटल लेटर्स में है, z जो है स्मॉल लेटर्स में है। तो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर का हमारा क्राइटेरिया पूरा हुआ। उसके बाद @ है जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है, और उसके बाद 123 है जो कि एक डिजिट है। तो ऐसे ही हम एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं अब होम में जाऊंगा और लॉगिन करूंगा। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है जहाँ पे आपको आपके मोबाइल नंबर डालना होगा और उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालते हैं, आपको यहाँ पे एक कैप्चा आएगा। कैप्चा में जो नंबर्स है वो आपको लिखने हैं। लिख के आपको रजिस्टर कर ले लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने 100% कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो सिर्फ मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीटेड दिखाएगा। आपको डॉक्यूमेंट में जाना है और पर्सनल डिटेल में जाना है। पर्सनल डिटेल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, नेशनैलिटी वगैरह आपसे पूछा जाएगा और आपका एड्रेस पूछा जाएगा। तो आप फिर से आप प्रोफाइल में जाएंगे तो पर्सनल डिटेल में जो है यहाँ डॉक्यूमेंट है। हालांकि मैंने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर चुका हूँ इसीलिए यहाँ कंप्लीटेड दिखा रहा है। आप डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक का ID नंबर देना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ कुछ भी अपलोड नहीं करना है, सिर्फ आपको डेटा प्रोवाइड करना है। जैसे ही आप करते हैं आपका 100% रिकॉर्ड अपडेटेड हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, ई पास में जाएंगे और अप्लाई फॉर ई पास करेंगे। ये ध्यान रखें कि ई पास बहुत ध्यान से भरें। आपको जितने दिनों के लिए चाहिए आप उतने ही दिनों के लिए भरें, क्योंकि एक बार आपने ई पास किसी फिक्स ड्यूरेशन के लिए और किसी फिक्स्ड व्हीकल के लिए ले लिया है तो आप सेम ID से दूसरा व्हीकल को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ई पास नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपको किसी व्हीकल से एक दिन का काम है तो आप एक दिन का ही ई पास के लिए अप्लाई करें। और आपको लगातार रोज़ जाना है उसी व्हीकल से। अगर आप जॉब होल्डर हैं, आपको रोज़ सेम गाड़ी से किसी पर्टिकुलर जाना है, तो आप 27 तारीख तक लगातार ले सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन 27 तारीख तक ही है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 27 तारीख तक ही लेने के लिए। आपका ज़िला रामगढ़, टाइप ऑफ ई पास, चूँकि मुझे विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री ही काम है तो मैं वही लूँगा। सेव। जैसे ही आप पासवर्ड ई पास के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही आपको और भी डिटेल्स मांगे जाएंगे। आप डिटेल्स भरते जिसमें आपको एड्रेस पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं और कहाँ जाना है। तो मैं अपने घर का एड्रेस करंट एड्रेस में दूंगा और विजिटिंग एड्रेस में अपने ऑफिस का एड्रेस दूंगा।
देखिए ई पास का कैटेगरी क्या है, तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे वेरियस कैटेगरीज हैं, तो आप जो भी कैटेगरी में फिट बैठते हैं आप उसे सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपको नीचे और ऑप्शन आएंगे, टाइप ऑफ जर्नी, वन वे जाना चाहते हैं या जाकर वापस आना चाहते हैं, विजिट एंड रिटर्न, कितने दिनों के लिए चाहिए। तो चूँकि लॉकडाउन आज से शुरू है तो आज से लेकर 27 तारीख तक मुझे चाहिए, क्योंकि हर दिन मेरा ड्यूटी होता है। आवर्स क्या होगा, तो चूँकि मुझे 24 घंटे में 24 घंटे का काम है तो मैं 24 घंटा के लिए अप्लाई करूँगा। 0 से 0, जिनका 9 to 5 जॉब है वो 9 to 5 अप्लाई करेंगे, या थोड़ा कम या ज़्यादा करके कर सकते हैं। व्हीकल मेरे पास 4-व्हीलर है तो मैं 4-व्हीलर का ही करूँगा, जिसमें अगर आप 2 लोगों को इंक्लूड करते हैं तो एक और कॉलम आता है जिसमें आपको उस पर्टिकुलर इंसान का नाम लिखना होता है, पर्सन का नाम लिखना होता है। तो चूँकि मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ तो एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, जैसे ही आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो आपको कुछ डिक्लेरेशन देना पड़ता है। आई हैव रेड एंड डू हेयर बाई एक्सेप्ट द टर्म्स, और ऐसे करके आप एक बार कन्फर्म करने के बाद आप एग्री एंड प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही आप एग्री एंड प्रोसीड करेंगे आपका सर्टिफिकेट रजिस्टर हो जाएगा। अब आप डैशबोर्ड में जाएं, ई पास में जाकर डाउनलोड ई पास करें, और यहाँ पे आप अपना ई पास डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंट करके, इसे सेव कर लें। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप स्मार्टफोन में इस सर्टिफिकेट को रख सकते हैं, और अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप आसानी से इसका एक प्रिंट निकल के अपने पास रख सकते हैं।